So if you are searching for a pharmacy course or pharmacy admission from Banaras Hindu University for graduation and master that is B pharma and M pharma then this video is for you because I'll include each and everything regarding eligibility examination fees seats college pros and cons of this course from Banaras Hindu University licensing information pharmacist status and how this course is going on in, in the university because being a pharmacist i can tell you the best because i am in banaras in the university and i have seen all the students of b pharma and m pharma so this video is for you do not skip because i'll include each and everything in detail सो इन द मेन पेज ऑफ दब वेबसाइट दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बी एच यू डॉट ए सी डॉट इन अगर आप यहाँ पर देखेंगे सो यू विल फाइंड द नोटिस कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है फॉर एम फार्मा एंड बी फार्मा सो इफ़ आई ओपन दिस लिंक तो यहाँ आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एम फार्मा आयुर्वेद दैट इज़ ए वाई एंड बी फार्मा ए वाई एंट्रेंस टेस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इट इज़ अ सेल्फ फाइनेंस स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी एट आर जी एस सी राजीव गांधी साउथ कैंपस फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा आई एम एस बी एच यू तो इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एम फार्माइन आयुर्वेद बी फार्माइन आयुर्वेद सो ये जो फार्मेसी कोर्स है ये आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स है नॉट एलोपैथिक आई टेल यू ईच एंड एवरी डिफरेंस और ये जो कोर्स है दिस इज़ अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स और ये चल रहा है राजीव गांधी साउथ कैंपस अब आप सोचेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म है तो ये कौन सा कैंपस आ गया सो आई लेट यू नो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस इज़ फार अवे फ्रॉम द मेन कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये करीब पैंतीस किलोमीटर दूर है यहाँ से पैंतीस चालीस किलोमीटर और डिस्टेंस है यू कैनोट अप डाउन डेली ये दूर है यहाँ से और ये कोर्सेज जो है ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा जो कि मेन कैंपस में है आई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर में सो so ये कोर्स गवर्न करता है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा सो अब अगर आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं फॉर बी फार्मा एन एन फार्मा इस सेशन के अंदर देन आपको ब्रॉशर और एडमिशन नोटिस फॉलो करना पड़ेगा तो ये है एडमिशन नोटिस बी फार्मा का जिसके अंदर आप ये देख रहे हो दिस अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स आर जी एस सी मिर्जापुर के अंदर ये चल रहा है और इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा दैट इज ऑन संडे ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो बी फार्मा आयुर्वेदिक कोर्स होगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी थर्टी सेवन जिसमें पंद्रह जनरल एंड ओ बी सी एस सी एस टी कैटेगरी मिला के रेस्ट ऑफ द सीट्स आ गया टोटल थर्टी सेवन अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की अभी मैं डिटेल ब्रॉशर आपको दिखाऊंगा देन यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग सो यू मस्ट बी एन इंडियन नेशनल यू शुड हैव कंप्लीटेड 17 ईयर्स बट नॉट क्रॉस 25 यानी आपकी एज 17 और 25 के बीच होनी चाहिए ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स अब लोग सोचेंगे कि अगर हमको ये कोर्स ज्वाइन करना है बी फार्मा आयुर्वेद सो so, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी सो इंटरमीडिएट टेन प्लस टू यानी ट्वेल्थ में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सो ट्वेल्थ में अगर आपके पास ये कोई भी सब्जेक्ट हैं तब आप एलिजिबल हो फिफ्टी परसेंट मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए ट्वेल्थ के अंदर कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा फोर्टी फाइव एंड फोर्टी परसेंट प्रोसीजर क्या है आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन और उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होगा ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं है कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जिसकी फीस अभी आपको बारह सौ रुपये पे करनी पड़ेगी फॉर जनरल ओबीसी और नाइन हंड्रेड रुपीज़ फॉर कैटेगरी सो लास्ट डेट इसका ट्वेल्थ एलिथ ऑफ सेप्टेम्बर है और पच्चीस को एग्जामिनेशन हो जाएगा सो प्लीज़ बी केयरफुल जो लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उसको ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए अब हम आ जाते हैं मेन ब्रॉशर पे, जिससे कि आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाए ये कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चल रहा है मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देख रहा है इसको इंस्ट्रक्शन ये सारे फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस हैं तो आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर तो आपको फॉर्म भर कर देना है एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा फिर उसके बाद एग्जामिनेशन की आंसर की आएगी और अगर आपको कुछ कम्प्लेन है रिगार्डिंग आंसर की देन यू कैन क्लेम और उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको काउंसलिंग करने आना है देन फाइनली यू विल टेक द एडमिशन अब आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर जिसमें सबको डाउट होता है ये चार साल का कोर्स है दैट इज़ एन एनुअल सिस्टम एक एक साल तो जैसे बी फार्मा होता है वैसे ही बी फार्मा आयुर्वेद है बट यहाँ पे आप सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे नॉट एलोपैथिक तो चार साल का कोर्स है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 37 है और कोर्स फीस है 50,000 पर ईयर उसके बाद आप हॉस्टल ले सकते हैं वहीं पे हॉस्टल है करीब 8,000 से 12,000 उसकी फीस है पूरे साल भर की वहाँ पर रहने की खाना पीना वहाँ पे सब अवेलेबल है ऑल दो सिटी से बाहर है सो आपको सिटी का फील नहीं आएगा बिकॉज दैट इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड प्लेस बट ऐसा भी नहीं है कि आप जंगल में चले जाओगे हाँ तो अब देखो इस कोर्स के बारे में ये बी फार्मा स्पेशल कोर्स एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कवर कर चुके हैं इसके अंदर तो आप अगर कुछ और देखना चाहो तो प्रॉशर के अंदर आ, ये सब आंसर शीट है कैसे आपको मार्किंग होगी नाउ ऑन टू द नेक्स्ट एम फार्मा कोर्स मैं इसके बारे में वो भी बताऊंगा कि क्या फायदा है क्या नुकसान सो प्लीज स्टे ऑन द लाइन जिससे कि मैं आपको ये सारी चीजें कन्फर्म कर दूँ सो so, अगर आप एम फार्मा आयुर्वेद में लेना चाह रहे हैं तो उसका भी लास्ट डेट सेम है टोटल सीट्स 15 है इसके अंदर एलिजिबिलिटी ये है कि आपका बी फार्मा आयुर्वेद होना चाहिए सो so, यहाँ पर एक टू स्टे अगर आपने नॉर्मल बी फार्मा कर रखा है बिकॉज नॉर्मल बी फार्मा is फॉर द allopath. सो so, allopath means यू मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फॉर allopathic मेडिसिन तो दिस मास्टर्स कोर्स इज नॉट फॉर यू जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बी फार्मा किया है जिन लोगों ने बी फार्मा आयुर्वेद किया है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स आपका जनरल में होना चाहिए आप लोग को भी फॉर्म फिल करना है पंद्रह सौ फीस है इसकी और उसका एग्ज़ामिनेशन होगा नो अदर मोड इज़ एंटरटेन फॉर दिस अब अगर मैं इसका ब्रॉशर देखूं सो so ब्रॉशर के अंदर जो मेन पॉइंट है दैट वी विल ओनली कवर ये फॉर्म फिलिंग का स्टेटस है एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम हो जाएगा ये पंद्रह सीट है दो साल का कोर्स है एंड द कोर्स फीस इज़ सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर ईयर ठीक है तो उसकी होगी पचास हज़ार और इसकी हो गई सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं जब आप ये कोर्स को करेंगे लाइक अगर बी फार्मा आयुर्वेद करने वाले हो सो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे क्यों क्योंकि ये जो कोर्स है ये काउंसिल से रजिस्टर्ड है ये आयुर्वेदिक काउंसिल के अंदर आयुष के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा and you will get a registered certificate that you are a registered ayurvedic pharmacist aap ayurvedic ka kuch bhi kaam kar sakte ho this is the benefit of this course but dusra koi pharmacy kar raha hoga wo ayurved ka kaam nahi kar sakta because he or she will be a normal pharmacist तो जितने भी लोग यहाँ से course करेंगे वो registered होंगे council में आपको proper certificate मिलने वाला है अब जो इसका नुकसान हुआ ऐसे नुकसान नहीं हुआ बट द थिंग इज़ दैट दिस अ आयुर्वेदिक कोर्स तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें ज्वाइन करने के बाद आप एक अपना मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो जैसे नॉर्मली लोग करते हैं डिप्लोमा या बी फार्मा करने के बाद सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल यू कैन ओनली ओपन एन आयुर्वेदिक शॉप नॉट एलोपैथिक जहाँ पे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन रख सकते हैं डिस्पेंस कर सकते हैं बट एलोपैथिक नहीं बिकॉज दैट लाइसेंस इज़ नॉट फॉर यू वो एक बेसिक बी फार्मा होता है दिस इज़ एन आयुर्वेदिक बी फार्मा सो अभी ये कोर्स बी एच यू खुद ही एग्जामिनेशन करा के कंडक्ट करा रही है बट इट माइट बी पॉसिबल कि ये भी सी यू ई टी एन टी ए कंडक्ट कराए जैसे कि बी एच यू अब सारी यूनिवर्सिटीज़ के अलग हो रहे हैं सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं एंड दे ऑल आर परफॉर्मिंग वेरी वेल फ्यू मास्टर स्टूडेंट्स आर अंडर माय गाइडेंस दे आर डूइंग देयर प्रोजेक्ट वर्क आल्सो सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग बी फार्मा और एम फार्मा देन यू कैन जस्ट कॉमेंट मी जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप उसके बाद आप डी कर सकते हो और कन्फर्म कर सकते हो बिकॉज एम फ्रॉम द फार्मेसी प्रोफेशन Or many highest degree that is the PhD already completed from pharmacy itself. So, any doubt regarding pharma, regarding higher studies, you can consult me. Thank you so much. Don't forget to subscribe to the channel so that any notification will not be missed from your screen. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.